हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम कुछ चैलेंज करने वाले हैं नया, जो कि मैं और मेरे पति देव करने वाले हैं। तो चैलेंज ये है दोस्तों कि हमको बिना बेलन के यूज किए हुए रोटी बनानी है हाथ में। हाथ से रोटी बनानी है। और जिसकी रोटी फूली बढ़िया से और गोल बनी वो विनर वो जीत जाएगा। वो जो बोलेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों हम चैलेंज शुरू करते हैं। तो राशि बनाएगी रोटी बिना बेलन और इस चकले की मदद से। तो शुरू करें। हाँ, याद रखना फूलनी भी चाहिए। याद है, देखते जाइए। ये आटा लगाया ताकि चिपके ना। देखो ध्यान से देखो। हाँ, गोल दिखाओ, इसका एक नंबर कटा जाएगा। दोस्तों देख लो, रोटी ज्यादा गोल नहीं है और इस पे एक छेद भी है। जय हो अग्नि माता। तो दोस्तों ये रोटी तो फूल नहीं रही है। कोई बात नहीं, ये फूली नहीं है। क्या बात है दोस्तों, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो तुमको 10 में से मिलते हैं। देखो मेरी रोटी गोल भी है, समझे? ठीक है, 10 में से तुमको देता हूँ मैं 6 नंबर। कोई बात नहीं, चलेगा, 6 भी चलेगा। लो अब दोस्तों मेरी बारी है चैलेंज की और मुझे बनानी है रोटी बिना बेलन और चकले की मदद से। पहले आटा लिया मैंने और ये मैंने हाथ धो रखे हैं। तो दोस्तों मैं इसको भी ये ऐसे करके गोल कर रहा हूँ। तवा भी बेरहमी से गर्म हो रखा है। ऐसे क्यों खींच रहे हो, टूट जाएगी। तो अभी तो बनी कहाँ, अभी तो इतनी की इतनी है। नहीं नहीं, काफी बड़ी हो गई। देखो तुम मुझे ना बहुत अंडर एस्टिमेट करती हो। Underestimate of the power है। क्योंकि तवा बहुत गर्म था ना, मैं पलटा रहा हूँ। आई मम्मी, जब मैं अकेला रहता था ना दोस्तों रूम में शादी से पहले, तो मैं रोटियां खुद बनाता था। खाते भी तो खुद ही खुलते। अच्छा, अरे फूल गई। राशि देखो तुमसे ज्यादा फूल रही है। नीचे देखो, नीचे फूल ही है। तुमने आटा सही से गूंजा नहीं है। रहने दो, ऐसे बोलो, मैंने सही से पकाया नहीं है रोटी। इनका एक्स देखो फूल रही है ना। लेकिन अब देखो गाइस, ये रोटी मेरी है और ये राशि की। राशि की रोटी टूट भी रही है। देखो ये कच्ची सी लग रही है। अरे ये देखो क्या मस्त है, देखो कितनी बढ़िया ये करारी है। ये देखो लुती सी है। तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? 5। देखो मैंने इसको 6 दिए थे, इसने 5 दिए। मैं भी तुमको अब 5 दे रहा हूँ, बराबर। तो मैं आपको 4 दे रहा हूँ। अब दोबारा बनाते हैं। चलो एक काम करते हैं, दोबारा से ये बनाते हैं और इस बार अगर फूल जाती है जिसकी वो जीता। ठीक है, ज्यादा फूली जिसकी। हाँ, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस बार फूलने का है, जिसकी फूली वो जीता। खैर इस बार गोल से नहीं है, इस बार फूलने से है। तो ये रखा मैंने, तो ये रोटी मैंने रख दी। अब मैं इसको पलटा रहा हूँ। और ये ना आटा, गेहूं का आटा, मंडवे का आटा मिक्स है। दोस्तों ये फूल नहीं रही है, मुझे लगता है नाराज हो रखी है रोटी। मेरी रोटी दोस्तों इधर को फूली है, देखो इस साइड को फूली है, अच्छी बनी है। मैं पता है हारने वाले को क्या बोलते हैं, बाजीगर। अब मैं बाजीगर हूँ। मेरी रोटी बहुत ही गोल बनी है दोस्तों, देखो। पलटा जल जाएगी ये, फूलेगी वाली रोटी। शकल दिखा रही है, दिख रही है मेरे डर से फूलेगी वो। दोस्तों देखो कितना अंधेरा हो रखा है और चांद भी अपने फुल रोमांटिक मोड में है। फैसले की घड़ी आ चुकी है, रोटी नहीं फूली है, गोल अच्छा। बनी है। हाँ। लेकिन फूल भी रही है। नहीं फूली है रोटी, नहीं फूली है। अरे यार ये रोटी फूल गई। मैंने बोला था ना हरा के छोड़ूंगी, क्योंकि आपने राशि नहीं किसे पंगा लिया है। यार ये रोटी फूल गई, पर ये आपको बहुत ही महंगा पड़ गया है दोस्तों। ये देखो मेरी रोटी फूल भी रखी है और गोल भी है और पकी भी बन गई। अच्छी है, काफी अच्छी बन गई है रोटी। चलो ठीक है, तुम जीत गई हो। तो दोस्तों मैं हार गया हूँ, तो चलो यार इनको बताना पड़ेगा, अब जो राशि बोलेगी वो मुझे करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मैं बाजीगर हूँ। तो चलो बोलो क्या चैलेंज है, क्या मुझे करना होगा। तो अभी रात हो गई है। हाँ? तो सुबह का इंतजार करते हैं। अच्छा, और फिर सुबह आपको सजा मिलेगी। ठीक है, और अभी हम आपको दिखाते हैं हमने डिनर में क्या बनाया, बड़ा टेस्टी है। चलो आपको दिखाते हैं। चलो ये रोटी
दोस्तों ये बहुत हेल्दी होती है, ये सीताफल के जो पत्ते होते हैं, अरबी के पत्ते होते हैं, उसकी सब्जी है। इसको यहाँ पर टुकड़ू भी बोलते हैं। हाँ। भुनी हुई मिर्च और इसको ऐसे पैसे, जब भुनी हुई मिर्च और भुजी और मंडवे की रोटी, मंडवे तो मजा आ जाता है। यस, ऐसी रोटी हो जब ऐसी रोटी मेड बाय हैंड। इस तरीके से चूर दो। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, तुम बताओ। बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। मैंने बनाई। आइडिया किसने दिया? मैंने। लाजवाब। राशि ने अपनी फेवरेट स्वेटर पहन रखी है। देबू, हाँ क्या चैलेंज है, क्या मुझे करना होगा? कल मैं हारा था ना, ये रोटी फूल गई थी। हारने का गम अभी तक है आपको? हाँ, कोई गम नहीं, बताओ क्या मुझे करना होगा। आपको मेरा एक हेयर स्टाइल बनाना है जिसमें मैं मस्त दिखूं, हीरोइन। ठीक है, तुम्हें हीरोइन बनना है? हाँ। अच्छा, हाँ तो ऐसे नहीं बांधना ना, सिंपल वाला। कैसे मतलब? स्टाइलिश बांधना है, कुछ स्टाइलिश नया। स्टाइलिश? अब स्टाइलिश जैसा मुझे लगेगा मैं वैसे बांधूंगा। तुम आप तो ऐसे बांधो जी। हाँ, वैसे थोड़ा ना बांधना। ठीक है, रखो फोन, बैठो। तो दोस्तों राशि का हेयर स्टाइल, ये चैलेंज इसने मुझे अच्छा दे दिया। चैलेंज नहीं, इसने खुद ही, ये कोई चैलेंज होता है? चैलेंज ही तो होता है। ये मुझे पक्का बंदरिया बनाएंगे, मुझे पता है। मतलब स्कूल जा रहा है। ये क्या कर रहे हो? ये तो इफेक्ट आता है। कौन सा वाला? स्नैपचैट में एक इफेक्ट आता है ना, मैंने हेयर स्टाइल बोला था। मैंने ऐसे भी बोला कि मुझे स्कूल जाने के लिए बोलो। इस हेयर स्टाइल में ऐसे कौन बना? घर चला बैगाड़ी चली घुमाओ ही तुम्हारा दिल है। घर चला बैगाड़ी चली घुमाओ ही तुम्हारा दिल है माँ। नैनीताल की माधुली हिट मेरी दागाड़ा, नैनीताल की माधुली तो कैसा लग रहा है तुमको ये हेयर स्टाइल? ऐसा लग रहा है जैसे वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में इफेक्ट आते हैं ना, वैसे बना दिया आपने मुझे। तो दोस्तों देखिए मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे, ठीक है, तो चलो अब मैं दूसरा हेयर स्टाइल बनाता हूँ राशि का, ठीक है। मैंने सोचा तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर लो। ये वाला हेयर स्टाइल मैं देवांशी का बनाऊंगा जब देवांशी थोड़ी सी बड़ी होगी। मेरी तरफ मुड़ो थोड़ा सा। बढ़िया दिखा। अगर यही स्टाइल प्रियंका चोपड़ा बनाती ना तो आज उसके हर जगह फोटोज होते हैं एड में। थोड़ा फैशन शो कर। अच्छा लग रहा है। थोड़ा फैशन शो। नजरें चुराते तो अच्छा था, ना मुस्कुराते तो अच्छा था, तुम हंसते हंसते जाना हमको दीवाना कर गए, तुम हंसते हंसते जाना हमको दीवाना कर गए। तो बताओ राशि ये वाला तुमको स्टाइल कैसा लगा? हैं? कंफर्टेबल है? नहीं। क्यों? आंखों में आ रहे हैं, जिसके आगे सही भी होगी उसके आगे खराब हो जाएगी। ये वाला स्टाइल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब मैं लास्ट और फाइनल हेयर स्टाइल बनाता हूँ। तैयार हो? हाँ हाँ तैयार हूँ। चलो बिल्कुल। मेरी बुढ़िया, मेरी बुढ़िया, मेरी बुढ़िया, तो मेरी बुढ़िया। आ जाओ। दो हेयर स्टाइल में तो इन्होंने बना दिया मुझे कार्टून। अब तीसरे में देखते हैं क्या बनाते हैं। बस ऐसे ही ये भी होता है एक हेयर स्टाइल। यूट्यूब पे देखा था, इसमें क्या करना है। ए, तुम्हारे बाल लंबे नहीं है। ए दिमागी मत कर। चिंग चैंग कामोली का लग रही है तू, ठीक है। अब रुको, खिलाना मत ज्यादा, ये वाला हेयर स्टाइल बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी खराब हो सकता है। यार ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ही अच्छी हूँ तो हेयर स्टाइल भी अच्छा लगेगा। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है,
क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आगे बहुत सारे बाल होंगे मेरे। यार सच में तुम ना डिज्नी की कोई करेक्टर लग रही हो। डिज्नी क्या होता? डिज्नी मतलब वो सिंड्रेला। अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है राशि का ये स्टाइल। और ऐसे लग रही है जैसे टाइटैनिक में नहीं जाते थे जब वो पुराने जमाने के। हाँ। टाइटैनिक में वैसे हेयर स्टाइल है, विंटेज लुक। दोस्तों ये मैंने बनाया और मैं बहुत खुश हूँ ना। तो देवांशी भी देख रही है ध्यान से। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस, खुश रहिए हमेशा। लव यू दोस्तों, बाय बाय।